वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब, और यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब माइनस यहाँ पे है 4 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 3y, मतलब कि माइनस 3xy हो जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर मतलब कि 9y स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3y। सो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और x प्लस 3y कॉमन आ रहा है। सो हम क्या करते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस 3y को कॉमन ले लेते हैं। सो अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, और यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया था तो -2 बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।